जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विशाख मास महात्म के 13वें अध्याय की परम पावन कथा। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अनेकों कथाओं को आप सुन सकें। तो अब 13वें अध्याय की कथा। जिस समय श्रुति देव जी महाराज ने राजा मैथिल को अक्षुण्य व्रत की विधि बताई, उसको सुनकर मैथिली राज कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास में छत्र दान करने का क्या महत्व है, कृपा करके विस्तार पूर्वक उसका वर्णन बताइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुति देव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि जो कोई भी धर्मात्मा विशाख मास में किसी व्याकुल महात्मा को छत्र का दान करता है, उनको अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, इसको पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। हे राजन, सतयुग में एक हेमकांत नामक बंगाल देश का राजा था और राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने के लिए वन में आया है और वहां पर अनेक मृग और शूकरों को मारता हुआ दोपहर में वह बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में जा पहुंचा है। उस समय सतीर्ष नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि अवस्था में वहां पर बैठे हुए थे। उनको यह भी मालूम नहीं हुआ कि इस समय आश्रम में कौन आया है। वे निश्चिंत बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी सम्मान उन्होंने नहीं किया। इस पर राजा को क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा है। उस समय ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा है कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं, उनको यह भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिष्यों की इस बात को सुनकर वह राजा क्रोधित होकर कहने लगा है, अरे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो अपने गुरु महाराज के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा है कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो, ऐसे कृत धनों को अवश्य ही मार देना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। उससे शिष्य भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे हैं। उस समय राजा के सब सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उसमें से 3 शिष्यों को मार दिया और शेष शिष्य भाग गए हैं। जब आश्रम में कोई नहीं रहा तब सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया, खूब आनंद मनाया है। उसके पश्चात सायंकाल में जब राजा अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृतांत सुनकर अपने पुत्र की बड़ी निंदा की है तथा उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। जब राजा हेमकांत वन में चला गया तो उस समय अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगा है और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी है। इस प्रकार उस समय राजा सोचने लगा है कि अगर मैं वो पाप कर्म ना करता तो आज इसका बुरा फल मुझको ना मिलता। इस प्रकार उस दुरात्मा राजा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नाम के ऋषि विशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए हैं। काफी समय वहां पर घूमते रहे, उसके बाद धूप से व्याकुल होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। देव योग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छित देख लिया और उसके मन में बड़ी दया आई है। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई है और अलंबू का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि की मूर्छा टूटी है। उसके पश्चात इंद्रियों में कुछ चेतनता आ जाने पर धीरे धीरे वो चलकर अपने गांव में
पहुँचे हैं, उस समय उनका शरीर स्वस्थ हुआ है। इसका सारा पुण्य फल राजा हेमकांत को मिला है। हेमकांत ने पहले अनेकों पाप कर्म किए जिससे उनको ब्रह्मत्या का दोष लगा है, लेकिन इस पुण्य के प्रभाव से उन पर भगवान की अनंत कृपा हुई है। हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ है क्योंकि इस पुण्य के प्रभाव से उनकी 300 ब्रह्मत्याएं क्षण भर में दूर हो गई हैं। उस समय हेमकांत सोचने लगा है कि मैंने ग्रामीणों को इतना कष्ट दिया है, बार बार मैंने पाप कर्म किए हैं, ब्रह्म हत्या भी मेरे पीछे लग गई थी, लेकिन ना जाने इस समय ब्रह्म हत्या कैसे दूर हुई है, किसने दूर किया है, उसे कहां गई है, इसका क्या कारण है। उस समय हेमकांत अपने मन में ये विचार कर ही रहे थे कि उसी समय उनकी मृत्यु का समय निकट आया है, क्योंकि मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं होता है। इस समय मृत्यु निकट आने पर उन्हें संग्रहणी का रोग लग गया। जब उनके प्राण निकलने लगे हैं तो उनको 3 बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़ने लगे हैं और वे हेमकांत को डराने लगे। उस समय हेमकांत बड़ा डरने लगा है, बड़ा भयभीत होने लगा है। 3 भयंकर यमदूत उसके सामने हैं। उस समय हेमकांत मौन होकर अपने छत्रदान के बारे में सोचने लगा है और उसको याद करके श्री हरि विष्णु भगवान को याद करने लगा है, भगवान से प्रार्थना करने लगा है कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, अब आप कृपा कीजिए, मुझे आप बचाइए, इस समय केवल आप ही का सहारा है। भगवान ने उसकी ये प्रार्थना सुनकर उसी समय अपने मंत्री विश्वक सेन को आज्ञा दी है कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। यद्यपि उसने सारा जीवन बड़े बड़े पाप कर्म किए हैं, परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की थी और वैशाख मास में छत्री का दान किया था, इससे उसके सभी पाप नष्ट हुए हैं, इसलिए जाकर इसी समय उसकी रक्षा करो। इतनी कथा सुनाकर श्रुति देव ब्राह्मण मैथिली राज से कहने लगे हैं, हे राजन, वैशाख मास में किए गए थोड़े से भी पुण्य का अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। हेमकांत ने सारा जीवन पाप कर्म किए, लेकिन वैशाख मास में अनायासी उसके द्वारा जो पुण्य कर्म बना है उससे उसके सभी पाप नष्ट हुए हैं। उसने अनजाने में ही एक ऋषि की सेवा की है, मुनि को छत्र का दान किया है, इस कर्म के प्रभाव से भगवान ने उन पर कृपा की है, उनके सभी पाप कर्म नष्ट हुए हैं, इसलिए हे राजन, वैशाख मास में जो भी कोई पुण्य कर्म किया जाता है उसका अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है, इसलिए हे राजन, वैशाख मास आने पर सदा ही अपने मन को भगवान की आराधना में लगा लेना चाहिए, सदा ये सोचना चाहिए कि इस वैशाख मास में जिस धर्म का मैं पालन करूंगा उसके प्रभाव से भगवान की मेरे ऊपर कृपा होगी, पहले के सभी पापों का नाश इस वैशाख मास में किसी भी धर्म के पालन से हो जाता है और भगवान की कृपा से मनुष्य को भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। इतनी कथा सुनाकर श्रुति देव ब्राह्मण कहने लगे हैं, हे राजन, जो तुमने वैशाख मास में छत्र दान की महिमा पूछी थी उसका महत्व पूछा था, सो सब मैंने इस कथा में तुम्हें सुनाया है, अब और क्या कथा सुनना चाहते हो, सो अब आप कहो, मैं वही कथा तुम्हें सुनाऊंगा। तो इस प्रकार विशाख मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा को आपने सुना है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि विशाख मास में जो भी हम धर्म के नियम का पालन करते हैं उसके प्रभाव से हमें अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है, हमारे सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, भगवान की कृपा मिलती है, और जिसको भगवान की कृपा मिल जाए उसको जीवन में किसी और चीज की आवश्यकता रहती नहीं है, भगवान कृपा करके मनुष्य को जीवन में सुख शांति आनंद देते हैं, संसार की सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा कर देते हैं और इस मनुष्य जीवन के अंत में अपने भक्त को अपने धाम में स्थान दे देते हैं। तो यहीं पर विशाख मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना,
आपसे एक छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान की अनेकों कथाएं इस चैनल पर आपको सुनाई जाएंगी। बहुत सी कथाएं इस चैनल पर पहले डाली जा चुकी हैं और आगे भी भगवान की अनेकों कथाएं आपको सुनाई जाएंगी, तो उन कथाओं को सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुतनी एकादशी की कथा भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। तो इस कथा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।